सरकार जो है उसमें तालमेल नहीं है। अब अनिल विज का नाम भी लिखा हुआ था, मुझे तो लगता नहीं है जहां पर कृष्ण चौटाला आएंगे अनिल विज आएगा। जितना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करोगे ताकि लोगों के एंटीजन बढ़े, तो असली काम वो कर नहीं रहे, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं तो गुमराह कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से, किस लहजे से एक देश के जो है मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और फिर वहाँ पर स्वयं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। तालमेल की कमी है सरकार में, तालमेल की जो गठबंधन है वो ठीक तरह नहीं चल रहा है। इनके बहुत सारे विधायक जो जजपा में हैं वो सरकार के विरोध में हैं, तो आपने देख लिया वो जी। अब ये तो वही बताएंगे वो आए या नहीं आए, मुझे तो मालूम नहीं आए नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार जो है उसमें तालमेल नहीं है। अब अनिल विज का नाम भी लिखा हुआ था, मुझे तो लगता नहीं है जहाँ पर कृष्ण चौटाला आएंगे अनिल विज आएगा, लेकिन वो नाम क्यों लिखा, राहुल इंद्रजीत भी नहीं आए। मेरा ये मानना था कि ये तो उत्सव था, सबको आना चाहिए था इसमें, जिनके नाम लिखे। सरकार और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है या क्या वजह है? आप ये बताइए, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर कौन निकलता है और ये कह रहे हैं सुबह 6 बजे तक रहेगा, 5 बजे तक। तो मेरे ख्याल से आजकल तो गांव में तो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, शहर में तो लोग उठते हैं जाकर कहीं 7 बजे उठते हैं, इसका कोई मुझे तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा। भाई अगर आपने करना है तो आप वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेट जितना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करोगे ताकि लोगों के एंटीजन बढ़े, तो असली काम वो कर नहीं रहे, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं तो गुमराह कर रहे हैं, ऊपर से टीका उत्सव के नाम के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। कितना पैसा इन्होंने लगा दिया उस पर विज्ञापनों पर, वो सारा वेस्ट जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं अपनी गरिमा खो रहे हैं, ओ दीदी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से, किस लहजे से एक देश के जो है मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और फिर वहाँ पर स्वयं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। केवल जो है विपक्ष के लोग हैं कि वो कांग्रेस को टारगेट करने की बात की जाती है, ECIBJP बन गया। मेरा ये मानना है कि जो आज जो प्रोग्राम हुआ उस पर नाम लिखा हुआ था, अनिल विज का भी नाम लिखा हुआ था, राव इंद्रजीत का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं आए दोनों। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उसको जो है कार्ड में नाम ना होना, ये लोकतंत्र की के साथ एक भद्दा मजाक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चुना हुआ कोई व्यक्ति है उसकी अगर अनदेखी की जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये जो परंपराएं हैं उसके विपरीत है।